मंच पर आसीन मेरे अग्रज लामा जी, धम्म मित्र जी, प्रोफेसर थोराट सर, डॉक्टर राजशेखर जी, काशी कृष्णा जी, लक्ष्मण और बहुत सारे साथी साथियों, ये शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और 20 साल बाद एक्चुअली मैं नागपुर में आया हूं और नागलोक तो पहली बार ही देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि 20 साल पहले तो शायद नागलोक की स्टार्टिंग हुई थी। जहां तक आज के दिन के संबंध की बात है, मुझे लगता है कि ये दिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में सामने उभर कर आ रहा है। और जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब धर्म और धर्म के बीच में भी अंतर की बात कहते थे कि उनका कहना था कि सभी धर्म एक जैसे नहीं हैं, धर्म धर्म के अंदर भी फर्क है। और वो फर्क किस तरीके से दिखाई देता है कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो असमानता को प्रसारित करते हैं और कुछ धर्म ऐसे हैं जो असमानता के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये मानना कि धर्म सभी एक जैसे होते हैं, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे और ना ही वो ये चाहते थे कि धर्म और धर्म के बीच में अंतर न किया जाए। और इसी संदर्भ में उन्होंने बाद में फिर धर्म और धम्म दोनों के बीच में अंतर किया, ये हम सब लोग जानते हैं। और धर्म और धम्म के बीच में जो अंतर है वो बेसिक अंतर ये है कि एक व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है, और जो सामाजिक है वो धम्म है और धर्म जो है वो व्यक्तिगत है। क्योंकि जो धर्म है वो व्यक्तिगत साल्वेशन जिसको कहते हैं उसकी बात करता है, लेकिन धम्म वो एक ऐसी चीज है जो समाज के साल्वेशन की बात करता है। सिर्फ एक व्यक्ति के साल्वेशन की बात नहीं करेगा बल्कि धम्म जो है वो सभी की एक साथ साल्वेशन की बात करेगा। और मुझे खुशी है कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा था कि हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर इस तरह का कोई सम्मेलन होगा तो किस तरह से होगा। और पहली बात तो नॉर्थ इंडिया में इस तरह का मुझे लगता है कि आज के दिन इतना बड़ा सम्मेलन बहुत कम जगह पर होता है। दूसरी बात जो अच्छी बात मुझे लगी कि इस सभा के अंदर ऑलमोस्ट उतनी ही महिलाएं हैं और उतने ही पुरुष हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि महिला और पुरुष का जो है ऑलमोस्ट बराबर योगदान इस संदर्भ में। और ये एक अपने तरीके से धम्म के आगे बढ़ने को दिखाता है मेरे हिसाब से। और जो महात्मा बुद्ध जो हैं, वो एक और बात जो है वो मुझे लगता है कि कहनी चाहिए उसमें कि नीड टू किल और विल टू किल, इसमें जो डिफरेंस किया उन्होंने उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धम्म है, वो बाकी सारे देशों में फैल रहा है और पुराने समय में भी फैला वो। लेकिन वो क्यों फैला? वो सिर्फ इस वजह से फैला कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वहाँ के लोगों को भा गई और उनको बहुत ज़्यादा उसमें कष्ट नहीं हुआ। जैसे एक ये बात जो आती है कि नीड टू किल और विल टू किल, महात्मा बुद्ध जो है वो ये कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी अ विल टू किल, मारने की हमारी किसी को इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मारना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि समय के हिसाब से, क्योंकि ये धर्म जो है वो परिवर्तित हो सकता था कुछ सेंसेस में, सभी सेंसेस में नहीं, कुछ सेंसेस में क्योंकि वो परिवर्तित हो सकता था, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी सारे देशों में फैल गया। और जो लास्ट बात मुझे लगता है मैं कहना चाहूँगा वो ये कि जो बात की गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की,
और बाबा साहब ने इसको बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि मैंने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है, बल्कि ये महात्मा बुद्ध से लिया है। और जो मुझे एक और चीज़ लगती है कि जो बाबा साहब का योगदान इसके अंदर है वो ये है कि लिबर्टी इक्वेलिटी, लिबर्टी का मामला जो है वो 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में काफ़ी हद तक वेस्टर्न यूरोप में और बाकी सारी जगह में लिबर्टी, जिसको स्वतंत्रता की बात करते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं, जिसमें राइट टू वोट एक्सेट्रा है, रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 18वीं 19वीं सदी में वो चीज़ें काफ़ी हद तक हो गई। उसके बाद मामला आया इक्वेलिटी का, और इक्वेलिटी का मामला जो है वो मार्क्स ने काफ़ी हद तक उसको प्रोत्साहित किया कि इक्वेलिटी किस तरीके से आएगी। और जो मुझे लगता है वो ये है कि बाबा साहब का जो योगदान है वो फ्रेटर्निटी के लेवल पे बहुत बड़ा है, जिसको हम लोगों ने ठीक से अभी तक शोध नहीं किया है, और वो एक शोध करने का विषय है। क्यों? क्योंकि जब वो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लेकिन बुद्ध से लिया है, तो इसका मतलब ये है उनके लिए जो फ्रेटर्निटी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भारतीय समाज में फ्रेटर्निटी का होना ये हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ा संघर्ष का काम है, क्योंकि इसमें इतने सारे मत हैं, इतने सारे अलग अलग तरीके के मत हैं, जिसमें उनको उनके अंदर जो ये फ्रेटर्निटी की भावना है वो लाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब 1919 में बाबा साहब ने सबसे पहले जो वंचित हैं उन लोगों के लिए बात कही ब्रिटिशर्स के सामने, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि भारतीय समाज बेसिकली दो लोगों में बटा हुआ है, एक अछूत है और दूसरे जिनको छुआ जा सकता है। तो जब इस तरह का मामला है तो ऐसी स्थिति में वो फ्रेटर्निटी कैसे बनेगी? तो बाबा साहब का जो योगदान है मुझे लगता है कि वो फ्रेटर्निटी, जिसको महात्मा बुद्ध जो है वो मैत्री का नाम देते हैं, और मैत्री फ्रेटर्निटी से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लोडेड है, क्योंकि फ्रेटर्निटी में वो बात नहीं है जो मैत्री में है, क्योंकि मैत्री में जो है वो सिर्फ एक साथ रहना ही नहीं है बल्कि एक साथ प्रेम से रहना है। तो वो एक साथ जो प्रेम से रहना और मैत्री के साथ रहना, वो मुझे लगता है कि ये फ्रेटर्निटी जो बाबा साहब ने लाने की कोशिश की और जिसके बारे में लास्ट में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बाबा साहब का योगदान है। और एकेडमिक सर्कल में मेरे हिसाब से ये फ्रेटर्निटी के मामले में थोड़ा सा और शोध करने की जरूरत, और इसमें बाबा साहब के बहुत सारे योगदानों को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रेटर्निटी के मामले में भी एक ये जरूरी चीज़ है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।